हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया जो कि आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल से। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन समर इंटर्नशिप प्रोग्राम को इन्वाइट किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2021 के लिए, तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन वाइसर भोपाल की तरफ से आया है, तो इन्होंने क्या बोला है कि आइसर भोपाल इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम ब्राइट एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन बेसिक साइंस से, इंजीनियरिंग साइंस से, इकोनॉमिक साइंस से फॉर इट्स ऑनलाइन समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो देखिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो का ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे कोई भी आपको जो है कैंपस विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये टोटली जो ऑनलाइन बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड पार्टिसिपेट इन रिसर्च कैरीड आउट बाय आईएसएल भोपाल फैकल्टी थ्रू रिसर्च ऑब्लिक रीडिंग प्रोजेक्ट्स अंडर देयर सुपरविजन। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको जो भी लाइक काम करना है वो सारा ऑनलाइन ही आपको काम करना है। यहाँ पे कोई भी आपका जो भी ऑफलाइन वर्क नहीं है, और आपको ये कहीं यहाँ पे आईएसएल भोपाल को विजिट भी नहीं करना है। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन जो है आपको जो है वर्क दिया जाएगा, और उसी को जो है आप कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो देखिए, ये जो पोर्टल है ये ओपन होगा मई 1 से मई 10। तो यहाँ पे आप अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो देखिए, जिन्होंने अपना एमएससी जो है कंप्लीट कर लिया है, लाइक हुआ कंप्लीटेड और भी करेंटली स्टडिंग इन द सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ बीएससी। तो देखिए, जिन्होंने अपना बीए लाइक यूजी डिग्री कंप्लीट कर लिया, या जो सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में है बीएससी बीटेक या बीई के, या जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है या एमटेक फर्स्ट ईयर में है, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपको करना क्या है, आपको जो है ऑनलाइन इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आप जो है यहाँ पे मिनिमम जो है एक प्रोजेक्ट और मैक्सिमम टू प्रोजेक्ट्स के लिए आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेबसाइट दे रखी, वहाँ पे आपको सारे जो फैकल्टीज के वेब पेज वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ तो आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की, तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा वो आपका रहेगा 4 से 8 वीक्स बिटवीन 25 मई एंड जुलाई 25। तो आपको यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 2 मंथ का जो है आपका प्रोजेक्ट रहेगा। अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा इट विल बी ऑन देयर ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड द राइट अप दे सबमिट। तो यहाँ पे आपको एक टाइप का एसओपी देना पड़ेगा कि आप जो है किस पे काम करना चाहते हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो किस पे है। तो आप उसी के बेस पे जो है आपको राइटअप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी, और आपको जो है उस आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो भी आप एसओपी लिखेंगे या आप द्वारा राइटअप लिखेंगे उसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब अगर बात करें अदर डिटेल की, देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है समर इंटर्नशिप में, तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो है 3rd वीक ऑफ मई में आपका जो लिस्ट आएगी उस पर आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये टोटली नो फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड। आपको यहाँ पे नो हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो लाइक इंटर्नशिप है ये ऑनलाइन मोड में है। तो आपको यहाँ पे कैंपस में विजिट भी नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे विजिट भी नहीं करना है आपको पर्सनली, और आपको कोई भी हॉस्टल एकोमोडेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, टोटली जो ये ऑनलाइन बेस पे है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको जो है आईसर कैंपस में भी आपको जो है ऑफ लाइक नहीं विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका जब इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब आप अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आप अगर आप सबमिट कर देंगे, तब आपको यहाँ पे फैकल्टी इंचार्ज जो है वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इन्होंने मेल आईडी मेंशन कर रखा है office_aa@icrb.ac.in पर जाके जो है आप यहाँ पे अपना जो भी क्वेरी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फॉर टेक्निकल इशू यू कैन राइट टू webmaster@icrb.ac.in एलॉन्ग विद योर रिलेवेंट स्क्रीन शॉट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मेंशन कर रखा है काइंडली डू नॉट कॉन्टेक्ट द कंसर्न फैकल्टी फॉर सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। ओके, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट आपका लाइक 1 से 2 मंथ में आपका जो है यहाँ पे आपको एक टाइप का इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको करने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे जो है थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप अगर जब भी इसी फील्ड में अगर आगे आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होगा कि किस टाइप का रिसर्च या आपको कैसे जो है प्रोजेक्ट को हैंडल करना है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप लाइक यू पीपल विल डू दिस प्रोजेक्ट। सो अगर आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट श्योरली इसके लिए अप्लाई करिए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।